नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक है अशोक और अशोक के अंतर्गत अशोक के साम्राज्य की सीमाएं। और उससे पहले पिछले व्याख्यान में आपने पढ़ा कि अशोक ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण विजय की थी। उसके अंतर्गत आपने देखा कि अशोक के जीवन में कलिंग विजय उसकी अंतिम विजय थी। उसके बाद उसने युद्ध भीरु की नीति का परित्याग करके धर्म भीरु की नीति को अपना लिया। आज हम पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पर आपको एक मैप के द्वारा समझाना चाहा है कि अशोक के साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो इस मैप में हैं, और आपकी बुक में भी ये मानचित्र दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे। अशोक के साम्राज्य की सीमा अशोक के शिलालेखों और स्तंभों से उसके साम्राज्य की सीमा की काफ़ी जानकारी मिलती है। उसके साम्राज्य में हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, काबुल, दक्षिणी अफगानिस्तान, उत्तरी सीमा प्रांत कश्मीर, सौराष्ट्र, हिमालय की तराई, नेपाल, बंगाल, उड़ीसा आदि सम्मिलित थे। डॉक्टर आर एस त्रिपाठी के अनुसार अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय की तराई से दक्षिण में चित्तल दुर्ग के जिले तक विस्तृत था। इसमें पूर्व और पश्चिम के अंतिम समुद्र तटवर्ती भूखंड कलिंग और सौराष्ट्र भी सम्मिलित थे। डॉक्टर राजपण बली पांडे लिखते हैं कि सुदर दक्षिण के राज्यों चोल, पांडे, केरल, सत्यपुत्र, तामी भी अशोक के प्रभाव क्षेत्र में थे। दक्षिण क्षेत्र में अशोक का कितना प्रभाव था, इस विवाद से हटकर अशोक द्वारा 14वें शिलालेख में उल्लेखित वाक्य महालक्य ही विजित अर्थात मेरा साम्राज्य सुविस्तृत है, महालक ही विजित अर्थात मेरा साम्राज्य सुविस्तृत है, स्पष्ट है कि प्राचीन भारत का कोई भी सम्राट इतने सुविस्तृत भूखंड का स्वामी नहीं था। अब जो टॉपिक है हमारा वो है अशोक और बौद्ध धर्म। अशोक इतिहास में एक बौद्ध शासक तथा बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में प्रसिद्ध है। उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के पश्चात अपना अधिकांश समय शक्ति तथा साम्राज्य के साधनों का प्रयोग इसके प्रचार के लिए किया। इसका परिणाम ये हुआ, ये धर्म भारत का लोकप्रिय धर्म बन गया तथा विदेशों में भी इसका अधिक प्रसार हुआ। अशोक अपने व्यक्तिगत जीवन में बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका सबलतम प्रमाण अशोक का बैराट भाबरू अभिलेख, जिसमें अशोक ने दो टुक शब्दों में बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। यद्यपि वह व्यक्तिगत रूप में बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपने अभिलेखों में जिस धर्म का उसने प्रचार किया और जिसकी अनुपालना की आशा वह अपनी प्रजा से करता है, वह स्पष्टतः बौद्ध धर्म नहीं जान पड़ता। वह एक सार्वभौम धर्म या सर्वधर्मों का यानी सभी धर्मों का सार या एक नैतिक संहिता जैसा दिखाई पड़ता है। इस धर्म की परिकल्पना से अशोक की रचनात्मक प्रतिभा एवं धार्मिक उदारता ही परिलक्षित होती है। इस अर्थ में भी व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म यानी होने के बावजूद उसने अपनी प्रजा से एक धर्म विशेष अर्थात बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का दुराग्रह नहीं किया, बल्कि अपनी रचनात्मक प्रतिभा से उसने अपनी प्रजा के लिए एक ऐसे धर्म का सर्जन किया जिसमें धार्मिक भेदों का तिरोहन हो जाता है तथा सभी धर्मों के मौलिक एकत्व या समान अंतत्व का तथ्य बहुत प्रबलता से उभर कर आता है। यद्यपि अशोक के बौद्ध धर्म मानिंग होने की बात को अप्राय निर्वाधित रूप से स्वीकार किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया को दो आंतरिक पक्षों में अभी भी विवाद है। अशोक ने कब और कैसे बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, एक मत ये कहता है। दूसरा ये कहता है कि अशोक गृहस्थ बौद्ध उपासक ही था या वह बौद्ध भिक्षु बन गया। तो यहाँ पर दो पक्ष हैं, हम दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार करना। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को कब स्वीकार किया गया, इस विषय पर अभिलेखों एवं साहित्यिक ग्रंथों में अलग अलग विवरण प्राप्त होता है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार अशोक आरंभ से ही बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से पूर्व वह ब्राह्मण धर्म में विश्वास रखता था।
राजधर्मिणी के अनुसार वह शिव भक्ता विशिकार खेलता था तथा मांस खाता था। इतना ही नहीं, वो भोग विलासपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। उसके राजकीय भोजनालय में प्रतिदिन कई पशुओं का वध होता था। डॉक्टर राधा कुमोद मुखर्जी का मानना है कि अशोक ने 265 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। उसने लघु शिलालेख से पता चलता है कि वह 2-3 वर्षों तक एक साधारण उपासक की भांति कार्य करता रहा। उसने अहिंसा का सिद्धांत पालन अपने व्यावहारिक जीवन में नहीं किया तथा इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई प्रयास नहीं किया। एक बौद्ध होते हुए भी उसने कलिंग युद्ध में भयंकर नरसंहार करवाया, परंतु कलिंग युद्ध से प्रभावित होकर अशोक बौद्ध धर्म का एक उत्साही अनुयायी तथा संघ का सदस्य बन गया। इसके पश्चात उसने धर्म प्रचार के लिए हर संभव प्रयास किया। एडवर्ड थॉम्स एवं डीआर भंडाकर डॉक्टर मुखर्जी के मत से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात अर्थात अपने शासनकाल के 9 वर्ष में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बौद्ध धर्म को अपनाने के पश्चात उसने अपने समस्त जीवन में एक समान असाधारण उत्साह का परिचय दिया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान के अनुसार अशोक ने बाल पंडित नामक बौद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर इस धर्म को ग्रहण कर लिया था। जबकि चीनी यात्री हैंसांग का मानना है कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बच्चों, आप इसको नोट करेंगे कि किससे प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और किस में यह है, तो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। कुछ विद्वानों के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में लाने वाला उस समय का प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु दीक्ष था। उपगुप्त और तिक्ष, ये दोनों के नाम आप नोट करेंगे। वेडल्लल का मानना है कि तिक्ष तथा उपगुप्त एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के उपदेशों से प्रभावित होकर ही बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि अशोक ने कब बौद्ध धर्म स्वीकार किया, महावंश, दीपवंश और सामंत पाशदीका का कथन है कि उसने अपने राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष 265 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। अशोक के अभिलेख बौद्ध परंपराओं के विपरीत उसके बौद्ध होने का संबंध कलिंग युद्ध से जोड़ते हैं। अशोक अपने 13वें शिलालेख में जिसमें कलिंग युद्ध की घटनाओं का वर्णन है, ये घोषणा करते हैं कि इसके बाद देवताओं का प्रिय धर्म की सोसहा परिरक्षा सोसा अभिलाषा सोसा शिक्षा करता है। कलिंग युद्ध उसके अभिषेक के 8वें वर्ष की घटना है। अतः कहा जा सकता है कि इसी वर्ष अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। संभव है उसका झुकाव कुछ समय पहले ही इस धर्म की ओर रहा हो तथा इस युद्ध के बाद उसने पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया हो। प्रथम लघु शिलालेख से ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद 2.5 वर्ष तक वह साधारण उपासक था तथा उसने इस धर्म के प्रचार के लिए कोई उपाय नहीं किए। इसके पश्चात 1 वर्ष से कुछ अधिक समय तक वह संघ के साथ रहा तथा उसने इस धर्म की उन्नति के लिए इतनी कर्मठता दिखाई कि उसे धर्म की बुद्धि पर स्वयं आश्चर्य हुआ। वे दावा करने लगा कि धर्म की इतनी उन्नति पहले कभी नहीं हुई। सारनाथ साची और कौसाम्बी स्तंभ लेखों से ही उसके बौद्ध होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसको आप नोट करेंगे, सारनाथ साची कौसाम्बी स्तंभ लेख से उसके बौद्ध होने का प्रमाण प्राप्त है। इन अभिलेखों में अशोक का एक नया रूप बौद्ध धर्म का संरक्षक सामने आता है। इन लेखों में वे संघ की एकता बनाए रखने के लिए महामंत्र के नाम राजज्ञ भेजता है। वे बद और बौद्ध संघ में मतभेद उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों का धार्मिक बहिष्कार कर दिया जाता है। उनकी कुचेष्टाओं से बौद्ध को सावधान कर दिया जाए, ऐसे लोगों के लिए अशोक ने दंड भी निर्धारित किया है।
जो कोई भी व्यक्ति चाहे वह भिक्षु हो या भिक्षुणी भिक्षुणी संघ में फूट डालने पर उसे सफ़ेद कपड़े पहनाकर संघ के बाहर कर दिया जाए और उस स्थान पर रख दिया जाए जो भिक्षु भिक्षुणियों के योग्य ना हो, इससे उसका बौद्ध होना सिद्ध होता है। अशोक के स्मारकों में उसे बौद्ध होना सिद्ध होता है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने 84,000 बौद्ध चित्रों का निर्माण करवाया है। आप नोट करेंगे 84,000 बौद्ध चित्रों का निर्माण बौद्ध ने करवाया है। उसने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों की यात्रा की, बुद्ध के जन्म स्थान पर स्तंभ स्थापित करवाया, उसने कपिल वस्तु के समीप हुई पूर्व बुद्ध कनक मुनि के स्तूप का 2 बार जीर्णोद्वार करवाया। गिरनार भौली और काल्पी शिलालेखों के नीचे हाथी का रेखांकन एवं लेख अशोक की बुद्ध के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति को व्यक्त करता है, क्योंकि हाथी बुद्ध का प्रतीक स्वरूप था। पाटलिपुत्र में तृतीय संगति और जीवन रक्षा के संबंध में किए गए प्रयत्न भी अशोक को बौद्ध स्वीकार करते हैं। ये कुछ मत थे, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपके सामने एक एक लाइन के निकल के आते हैं कि किसने किससे उसने दीक्षा ली, किसके कारण उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, कौन से युद्ध में उसके जीवन का अंतिम युद्ध था और किन अभिलेखों में उसके बौद्ध होने के परिणाम मिलते हैं और कितने हज़ार उसने बौद्ध चैत्यों का निर्माण करवाया और लास्ट में एक आया कि पाटलिपुत्र में उसने तृतीय संगति का आयोजन करवाया। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले व्याख्यान में पढ़ाया था कि प्रथम बौद्ध संगति, फिर मैं दोहरा देती हूँ, प्रथम बौद्ध संगति है वो अजातशत्रु के समय हुई थी। द्वितीय जो बौद्ध संगति है वो कालाशोक के समय हुई थी और तृतीय बौद्ध संगति है वो अशोक के समय हुई है और चतुर्थ जो बौद्ध संगति है वो कनिष्क के समय हुई है। तो इसका सिंपल याद करने का एक तरीका है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, AKAK, ठीक है, AKAK, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, आपको इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। ये तो कुछ ऐसे प्रमाण हैं जिस पे ये कहा जा सकता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था या बौद्ध धर्म उसने स्वीकार करा था। अब प्रश्न ये उठता है, क्या अशोक बौद्ध भिक्षु बन गया था? तो इसके उसमें कहा जाता है कि वह ग्रस्त और बौद्ध उपासक था या बौद्ध भिक्षु था, यह विवाद अशोक के प्रथम लघु शिलालेख में उसके द्वारा दिए गए इस कथन से उत्पन्न हुआ कि एक से अधिक वर्ष से जब मैंने संघ की शरण ली तब से अधिक पराक्रम कर रहा हूँ। ब्लोर तथा कर्ण नामक विद्वानों के अनुसार उत्त अभिलेख में पदाधीश संघ उपयुक्त से पेत से ये विदित होता है कि अशोक कुछ समय के लिए भिक्षु हो गया था और इस अवधि में उसने राजा का पद भी छोड़ दिया। डॉक्टर स्मिथ के अनुसार अशोक राजत्व का अधिकार छोड़े बिना ही भिक्षु बन गया। इस संबंध में इन विद्वानों ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के चीनी यात्री इति संघ के इस कथन को उद्धृत किया है कि उसने बौद्ध भिक्षु के वेश में अशोक की एक मूर्ति भी देखी थी। अतः हम ये कहते हैं और अशोक खुद कहता है दूसरे प्रथम लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं ये भी कहा कि 250 से कुछ अधिक वर्ष व्यतीत हुए हैं जब से मैं बौद्ध उपासक हूँ। 250 से अधिक वर्ष हुए हैं जब से कि मैं बौद्ध उपासक हूँ और अनेक विद्वानों ने इस संबंध में ऐसे ध्यान आकर्षित किया है कि संघ उपेते शब्द का अर्थ अनिवार्यतः संघ की शरण में जाना ही नहीं होता, इसका अर्थ संघ के निकट संपर्क में आना, संघ के पास जाना या संघ से संबद्ध होता है। उपयुक्त तथ्यों के प्रकाश में भंडाकर मुखर्जी आदि अनेक विद्वानों ने अशोक को उपासक बोध ही माना है, भिक्षु नहीं। आप इसको अंडरलाइन करेंगे कि अशोक को उपासक बोध ही माना है,
भिक्षु नहीं डॉक्टर रोमिला थापर के अनुसार अशोक आधी अधूरी मन स्थिति का व्यक्तित्व व्यक्ति नहीं था। यदि वह भिक्षु बनना चाहता तो राजपद छोड़ देता और किसी बौद्ध संघ में शरणागत हो जाता। तो बच्चों, आपने आज पढ़ा कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था या नहीं, और उसके पक्ष में आपने तर्क पढ़े। आप इनको और डिटेल में याद करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।